बालाजी महाराज को विदाई दें, उससे पहले एक जरूरी सूचना। सजनों, कोई भी गेस्ट अपने घर पे आता है, मेहमान अपने घर पे आता है, तो उसकी कितनी सेवा करते हैं। पहले फोन आ जाता है, अभी हम फलाने फलाने दिन आपके घर पे आ रहे हैं, तो घर की सफाई करते हैं, पोछा भारी करते हैं, बड़ी सजावट करते हैं। लेकिन सजनों, जो वीर बजरंगबली बालाजी महाराज को माँ जगत जननी महामाई को बुलाना हो तो क्या करते हैं? सच्चे मन से। लेकिन वो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, काया। जब काया सुखी होगी तभी चौकियां होगी, तभी सत्संग होंगे, तभी जागरण होंगे। अगर हम तल से बीमार हैं तो एक साइड में चार पाए पे लेटे रहेंगे, घर वाले चाहे करवाएं चाहे ना करवाएं। तो मेरे कहने का मकसद सजनों कि 2017 गुजर रहा है, गुजर गया है, 55 मिनट की बात हो रही है, गुजर जाएगा। तो 2018 में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी भक्तों ने वीर बजरंगबली बालाजी महाराज के दरबार में बैठ करके ये शपथ लेनी है, ये कसम खानी है कि बाबा हम हमारे घर में गंदगी नहीं फैलाएंगे। क्योंकि आजकल एक अभियान भी चल रहा है, स्वच्छ भारत वाला अभियान। देश अपने से बहुत आगे है, देश में सफाई हो ना हो हमें कुछ नहीं लेना, क्योंकि जब हम अपने आप को बदलेंगे तो देश बदल जाएगा। अपने घर के आसपास सफाई रखनी है, अपने घर में सफाई रखनी है, क्योंकि एक को देख करके ही दूसरा सफाई करता है। हमारे घर का कचरा दूसरे घर के कचरा नहीं डालना है। पड़ोसी कर दे कि यहाँ बड़ा कचरा, पड़ोसी का शर्ट दे दे, ये काम है नहीं करना है। बाबा के दरबार में बैठ करके कसम खानी है कि बाबा 2018 में हम हमारे घरों की सफाई रखेंगे, हमारे वार्ड को स्वच्छ बनाएंगे, क्योंकि वार्ड से समाज बनता है, समाज से शहर बनता है, शहर से जिला बनता है, जिले से देश बनता है। तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, 64, 128, 127। तो सभी ने मिलकर के वीर बजरंगबली बालाजी महाराज के दरबार में कसम खानी कि बाबा 2018 में हम हमारे गसिमपुर को राजस्थान में नंबर 1 लेकर आएंगे। बोल बालाजी महाराज की जय हो।